हेलो दिस इज नेहा एज यू नो दैट ऑन 23 जनवरी वी सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस ही इज सच अ ग्रेट लीडर हु इनकरेज्ड थाउजेंड ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एज स्टैंड एज वन एंड फॉर्म्ड आजाद हिंद फौज फॉर अल्टीमेट गोल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल टूडे एवरी वन सेलिब्रेट गांधी जयंती नेहरू जयंती बस फॉरगेटन द रियल हीरो सुभाष चंद्र बोस सो टूडे आई आस्क सम क्वेश्चन इन पब्लिक Let's see what people think about Subhash Chandra Bose and how excited they are to celebrate the birth anniversary of Subhash Chandra Bose. जैसा हम जानते हैं इस साल प्रधानमंत्री ने नेताजी के बर्थ एनिवर्सरी पर पराक्रम दिवस घोषित किया है तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का नेताजी को एक श्रद्धांजलि है या फिर बंगाल इलेक्शन का कुछ एजेंडा है या मोटो है देखो जहाँ तक सवाल है कि प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि भी है दूसरे तरफ जैसा कि हर राजनीतिज्ञों या हमारी राजनीतिक पार्टी ऐसा करती हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है तो उस दृष्टिकोण से कि चुनाव में कैसे जीतना है और अभी फिलहाल बंगाल इलेक्शन है और बंगाल इलेक्शन से पता है कि सुभाष चंद्र बोस बंगाल से थे इसलिए इसको हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी एजेंडा भी कह सकते हैं और ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की बात नरेंद्र मोदी ने कही है दूसरे राजनीतिक दल नहीं कहते हैं पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है और हमारे यहाँ चूँकि हमारी अधिकांश जनता अनपढ़ है इसलिए हमारे राजनीतिज्ञ उनकी भावनाओं से उनके समस्याओं से काफ़ी खेलते हैं सो एज यू नो ऑन 23 जनवरी वी सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस सो व्हाट यू नो अबाउट सुभाष चंद्र बोस सो सुभाष चंद्र बोस इज़ वन ऑफ द मोस्ट critical slash controversial figures in the history of Indian independence and a lot of controversies around the way he died and his role in the independence of our country but there is not a lot of clarity so one of the requests that I'd like to make with the government or the authorities is to bring that clarity in people's mind and try to at least have a firm understanding of what he did and how he died and how what was his exact role and what went about in the way he brought about his own army so I think a lot of clarity is needed around that and as far as celebrating his anniversary is concerned it most certainly should be celebrated like any other freedom fighter and it's long overdue we should have done that way before and around the importance that's tied to it that's again to each his own but yeah most certainly it should be celebrated with the same pomp as other freedom fighters that's all I'd like to say जैसा कि हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए बहुत किए हैं आपका सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर क्या ओपिनियन है और आज के युवा सुभाष चंद्र बोस को नहीं जान रहे इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हाँ सुभाष बाबू के विषय में मेरा ओपिनियन है कि महान देशभक्त थे और देश के लिए उसने कुर्बानी दिया यहाँ आज़ादी की लड़ाई में उनका बड़ा योगदान रहा लेकिन थोड़े यहाँ के नेताओं से तालमेल नहीं बैठी तो वो चले गए जापान वहाँ से संगठित करके और उनको थोड़ा सा क्रांति पर विश्वास था उनको ये विश्वास था कि गोड़ पड़ने हाथ जोड़ने से आज़ादी नहीं मिलेगी और लेकिन एम उनका देश को आज़ाद करना था गांधी जी का एम था कि हम अहिंसा के बल पर लेंगे उनको विश्वास था कि अहिंसा के बल पर नहीं मिलेगी या बहुत समय लगेगा इस आधार पर उन्होंने चले गए यहाँ जापान में वहाँ अथी का बनाए अपना आज़ाद हिंद फौज स्थापना की और उसके बाद वहाँ से संघर्ष किए युद्ध किए और उसके बाद वहीं से उनको पता नहीं चला लोग तो इसे कहते हैं कि ऐसी विमान में ऐसी से मर गए मैंने लेकिन अब उस पर तो बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते हैं हाँ लेकिन महान देशभक्त थे और उस समय के बहुत बड़ा बुद्धिजीवी थे IAS अधिकारी भी थे वो त्याग करके उन्होंने देशभक्ति के लिए काम किया वो बहुत महान आदमी थे और लोगों को उनके विषय में जानना चाहिए देखिए आजकल के युवा नहीं जानते हैं उसको ज़्यादा प्रचारित नहीं किया गया
जैसे और नेताओं के बारे में ज़्यादा लोगों ने श्रेय दिया गांधी जी को देश की आज़ादी में, ठीक है गांधी जी का तो महान योगदान रहा, लेकिन उससे कम योगदान उनका नहीं था, फिर भी उनको प्रचारित लोगों के बीच नहीं लाया गया, जो उनको नहीं उतना जानते हैं। गांधी जी आज़ादी का श्रेय गांधी जी को मिला, उनको श्रेय नहीं मिला। हाँ, उस संघर्ष में थे, ईमानदारी से थे, गांधी जी के साथ थे, फिर कुछ डिफरेंसेज हुआ तो अलग हो गए। डू यू थिंक द वे वी सेलिब्रेट गांधी जयंती एज द सेम वे वी सेलिब्रेट सुभाष चंद्र बोस जयंती? यस, आई थिंक सो। एंड व्हाई आई थिंक सो, आई एम गिविंग सम आर्गुमेंट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन मीन्स कैनेडी, मिस्टर कैनेडी who came to India after independence, and there was a journalist who asked a question that what you think, who is the most responsible guy for Indian freedom? So he told that Subhash Chandra Bose, and he also asked that about Gandhi's contribution. Then he said only 2-3%. So I am just giving argument, this is the real scenario. During independence, why Britain throw us? Why Britain give freedom to us? The whole army of Britain, British army, rebelled against them because they are Indian, and they put a tag of Azad Hind Force on their chest. So this was the main reason. That's why Britain gave us freedom. That's why I think India should celebrate Subhash Chandra Bose birthday jayanti as like as Gandhi jayanti. Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.